हाँ भाई, वेलकम टू जी खबर। देखिए, ये वीडियो आपका जो है इसमें मोस्ट आईएमपी कुछ क्वेश्चन लिए गए। यूपी पुलिस परीक्षा आपको पता है कि बहुत जल्द है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो बहुत ही खोजबीन कर, यानी बहुत ही एनालिसिस करके दे रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज भी आपको इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में है ये, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है, तो याद रखना ये क्वेश्चन बन जाता है कि मूल अधिकारों के संरक्षक हैं, तो याद रखिएगा ये आपके सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षक कहे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल जो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विधेयक को धन विधेयक में रूपांतरित करने का कार्य कौन करता है, तो याद रखिएगा कि यानी किसी विधेयक को क्या कर रहा है, ये धन विधेयक में जो है प्रमाणित करने का जो काम कर रहा है ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो रखिएगा लोकसभा में होती है आपकी 552 और विधानसभा में होती हैं 250 अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य में जो है विधान परिषद स्थित है, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 7 भारतीय राज्यों में जो विधान परिषद स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, और जो संख्या होती है इनकी होती है 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र में है, तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो आधिकारिकता जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा कुल 22 भाषाओं को क्या की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुआ है 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा चुनाव आयोग को, ठीक है। पंचायतों के चुनाव का भी जो निर्णय रहता है वो कौन लेता है, चुनाव आयोग ही लेता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है जो किस समिति के मतलब उस पर स्टार्ट की गई थी, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस किया गया और वह किस स्थान से, ठीक है। तो भी कई बार क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर ज़िले से मतलब ये स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, और कब की थी 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है, तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भाई ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो लोकसभा में कितने मनोनीत करता है, जो आपके 2, और राज्यसभा में मनोनीत करता है आपके 12, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के उच्च एवं निम्न सदन हैं, तो याद रखेगा लोकसभा जो आपका है उच्च सदन और लोकसभा आपकी है निम्न सदन, ठीक है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बनता है, तो उसको भी अच्छे से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य में जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेगा कि राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य जो है तो याद रखेगा ये आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सॉरी संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। देखिए यहाँ राज्य का जो था वो था आपका राज्यपाल, लेकिन संघ की यानी केंद्र की कार्यपालिका का वो जो होता है प्रमुख होता है ये आपका होता है राष्ट्रपति। और सर्वोदय योजना के प्रारंभ करता है जो याद रखेगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन्होंने प्रारंभ की थी ये योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो प्रचन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो याद रखेगा गरीबों में से जो सबसे गरीब है उसकी मदद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नीति आयोग के अनुसार कितने कैलोरी पोषण आवश्यक है, तो याद रखिएगा 2100 कैलोरी जो है आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन विजन 2020 क्या है, तो यार क्या नीति आयोग का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो यार क्या ये आपका है मुंबई में, और शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, तो क्या ये करता है सेबी। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है ये क्या है, तो यार क्या सेंसेस है इसका सूचकांक, और इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, ये आपका है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो यार ये आपका है लखनऊ में स्थित, और बुल एवं बियर शब्द हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों ही शब्द हैं शेयर बाजार के। आपने देखा होगा जब कोई सेंसस मार्केट दिखा दो उसके आगे एक सांड का चित्र रहता है या सांड की मूर्ति होती है, तो ये बुल और बियर का मतलब ही है, पर ये है शेयर बाजार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग समिति जो है क्यों गठित की गई थी, यार देखिएगा बैंकिंग सुधार हेतु इसका जो है इसको गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जो साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो क्या केरल का जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी केरल के अंदर है और न्यूनतम आपकी है बिहार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन था, तो यार ये आपका था मध्य प्रदेश, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जाने जाते हैं, तो यार पेनिसिलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, और बैंटेन जाने जाते हैं, तो यार क्या इंसुलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं, और ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लैंड स्टीनर होगा, क्या लिखा हुआ, लैंड स्टीनर जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा रुधिर समूह की खोज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं, तो याद रखेगा जेनेटिक कोड की खोज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा कि हर गोविंद खुराना किस लिए जाने जाते हैं, जेनेटिक खोज के लिए जाने जाते हैं कोड की, और अल्फ्रेड नोबल ने जो आविष्कार किया था ये किसका किया था, ये डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था, और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखेगा ये दिया आपका डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि विश्व विकास सूचकांक दिवस एवं राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, मोस्ट आईएमपी है, याद रखेगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्या बोले हैं, विश्व विकास सूचकांक दिवस एवं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोनों ही 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्या, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी को किस के जन्म उत्सव पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो ये इस बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सुशासन दिवस मनाया जाता है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूर्ण जन्म दिवस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव कि जो खोज के स्मृति में किस दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये खोज की गई थी कौन सी, रमन प्रभाव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेगा ये मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को, और विश्व मानवाधिकार दिवस और जीव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेगा ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। और शांति का नोबल पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय ने जीता, जो कि महिला थी, तो याद रखिएगा ये थी आपकी मदर टेरेसा। आपको कई जगह ये भारतीय लिख कर आएगा, कई जगह कुछ और भी लिख कर आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि मोस्टली जो मदर टेरेसा थी वो पहली महिला थी जिन्होंने शांति का नोबल पुरस्कार जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, साहित्य का पहला नोबल पुरस्कार किस भारतीय ने जीता, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और इन्होंने किस क्षेत्र के लिए जीता, साहित्य के लिए जीता था, और इनकी कृति है गीतांजलि, ठीक है। लेकिन जो मदर टेरेसा ने जीता है वो जीता है शांति का नोबल पुरस्कार, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या, कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम है आपका केरल का, कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का, कथकली आपका है केरल का, और कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये सभी अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि भारत की प्रमुख लोक कला शैली, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की है, चौक पूर्णा जो आपका है उत्तर प्रदेश का है,
गोदना जो है आपका बिहार का है, मेहंदी आपकी राजस्थान की है, और साथिया जो है आपका गुजरात का है, डांडिया भी आप बोल सकते हैं, और जो मधुबनी जो है ये आपकी है बिहार की है, ठीक है। तो मधुबनी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चौक पूर्णे को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत की प्रमुख कला एवं संस्कृति संस्थान उनकी स्थापना का वर्ष, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं, ललित कला अकादमी, तो याद रखिएगा 1954 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ यानी स्थित कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। क्षेत्रीय कार्यालय हमेशा पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा इसके लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और भुवनेश्वर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगीत नाट्य अकादमी, तो याद रखिएगा 1953 में स्टार्ट की गई थी, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्टार्ट किया था 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि महत्वपूर्ण शैली एवं उनके जन्मदाता, तो इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, तो याद रखें कर्नाटक शैली के जो जन्मदाता थे पुरंदर दास जी थे, और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता जो थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो याद रखें स्वामी हरिदास जी थे जो आपके हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत के प्रसिद्ध मंदिर एवं उनकी शैलियाँ, तो सूर्य मंदिर की शैली कैसी है, नागर शैली है। कैलाश मंदिर की शैली कैसी है, द्रविड़ शैली है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की शैली कैसी है, नागर शैली है। और जगन्नाथ मंदिर की शैली है नागर शैली, ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष केंद्र व उनकी स्थिति, तो याद रखिएगा 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भाई सारा भाई के अध्यक्षता में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, किसके, ये इंपॉर्टेंट याद रखे कौन है, विक्रम सारा भाई, ठीक है। फिर और अंतरिक्ष का जो विभाग की स्थापना हुई थी, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में की गई थी, और 19 अप्रैल 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को जो है सोवियत संघ से क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम में, और आपका इसरो जो है ये कहाँ उपग्रह केंद्र है, जो आपका है बेंगलोर में है, ठीक है। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित आपकी है अहमदाबाद में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बोले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय, तो देखें इंटरपोल का क्या आपका पैरिस जो कि आपका फ्रांस में है, फिर G77 का जो है जेनेवा में है, रेड क्रॉस का आपका जेनेवा में है, आशियान मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा जाकार्ता में इसका मुख्यालय है, सार्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है काठमांडू में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका है जेनेवा में, और राष्ट्रमंडल का है लंदन में, और ओपेक का जो है आपका वियना में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद रखेगा। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करें, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।